सो गाइस क्या ले आप लोग के थोड़ा गला खराब है आज भाई का। तो गाइस क्या ले आप लोग के, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज डेट है 15 अप्रैल और रिसेंटली आप लोग को पता है कि यामाहा R15 वर्जन 4 2023 लॉन्च हो गई है फाइनली इंडिया में, जिसका सबको वेट था। और मेरा एक शोरूम से बात हुआ है तो वहाँ पर व्हाइट कलर की अवेलेबल है, तो है ना देखने तो जाएंगे ऑब्वियसली, क्यों नहीं जाएंगे। तो चलते हैं उसको देखने के लिए और शुरू करते हैं अपना इंट्रो फटाफट से। गाइस गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब धूप तो एकदम सर पे चढ़ी हुई है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। और मैं खुद आज बाइक लोनावला के बाद ही निकाल रहा हूँ, आज थोड़ा मेरा एग्जॉस्ट साउंड खराब होता है, मेरा आवाज़ बैठ गया थोड़ा सा। और मैंने सॉरी आवाज़ थोड़ी अगर अजीब आएगी तो, क्योंकि माइक सेटअप है नहीं मेरे पास फिलहाल अभी, मैं जस्ट मेरे फोन की ही ऑडियो से आज रिकॉर्ड करने वाला हूँ आवाज। घर से निकल के ही ऑफ रोड प्रैक्टिस हो जाती है मेरी तो। तो चलते हैं पहले पेट्रोल भराते, क्योंकि इसका तो कौन ही मारेगा इतनी बड़ी बाइक को। दोस्तों का पेट्रोल भरा दिया मैंने, फिर भी जो मेरा गला, हाँ तो 200 का पेट्रोल जो है वो भरा दिया मैंने, फिर भी जो है पेट्रोल अभी तक ड्रिंक ही हो रहा है, क्योंकि इसके आई थिंक सो 5 लीटर में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से 5 लीटर में इसके सॉरी रिजर्व में इसके 5 लीटर होते हैं। हाँ उल्टा बोल रहा था मैं, एक्चुअली अपने को जाने का है थाने AIMS शोरूम, वहाँ पर जो है वाइट कलर की अवेलेबल है, तो देख के आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसी लगी मुझे, वॉक अराउंड देंगे, फर्स्ट रिव्यू देंगे। बाकी इंजन तो सेम ही रहेगी, इंजन में फ़र्क नहीं है, सिर्फ अपना बाइक के लुक में फ़र्क आने वाला है मेन, तो मेन इसलिए। और वाइट कलर की जो है ना खास, वो मुझे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि अभी तक वाइट कलर में आई नहीं है R15, पहले वाली आई थी जो एकदम फर्स्ट फर्स्ट वाली थी ना, वो वाइट में आती थी, तो उसके बाद दूसरी आई नहीं वाइट में, ब्लू और ब्लैक में दिखी सबको। तो ये बार के लिए थोड़ा ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि वाइट में कैसी दिखने वाली है 2023 R15 M में भी इन्होंने सिल्वर कलर दिया था पर वाइट कलर नहीं दिया था, तो इसलिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रेड अच्छा है कि वाइट अच्छा है ना, कि दोनों अच्छा लगा आपको। और कूल फीचर है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, जो कि आपका फ़ोन हो जाएगा इसमें कनेक्ट, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा सिस्टम ये ब्लूटूथ का, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो आप। और ये जो है एकदम R1 जैसा स्पोर्ट्स लुक दिया। एक चीज़ मैंने नोटिस की, फ्रंट से जो आप डबल वाइजर लगाते थे ना, डबल वाइजर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी टिंटेड है, ये देखो वाइजर क्लियर नहीं है, टिंटेड वाइजर है, वो भी बबल वाइजर, जो कि कॉकपिट का व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। ये देखो उनको बोलता हूँ अपना स्पीडोमीटर चालू करके दिखाए, है ना, तो आपको समझेगा स्पीडोमीटर कैसा है। बाकी इंजन वगैरह तो बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि इंजन तो पूरी सेम ही है इसकी, जो पुरानी वाली R15 उसके जैसी इंजन है। बाइक जो है ना काफी ज्यादा स्मूथ है, मैंने चला के दिखा रहेगा आपको, इवन आवाज भी नहीं आ रहेगा कि इतनी इतनी ज्यादा स्मूथ लगी मेरे को तो बाइक। ये देखो टायर ठीक है पीछे का,
ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बाइक के हिसाब से सूट हो रहा है, पर आपको लगाने का है तो मोटा लगा सकते हो। ये रेड कलर है, रेड कलर भी इज़ नॉट बैड, अच्छा कलर रेड का भी। ये देखो ना, वाइट और रेड देखो, दोनों चमक रही है अपनी अपनी जगह पे। सीट का ना कटिंग भी अच्छा लगा मेरे को, ये देखो एकदम सॉफ्ट है। इसमें ब्लैक रिम्स ही है क्योंकि अपनी ये रेड एकदम फरारी वाला रेड है, वर्जन देखो 4.0। ये अच्छा किया है, ये स्टिकरिंग जो की है ना इन्होंने गोल्डन, इसके साथ काफ़ी मस्त कलर कॉम्बिनेशन है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन ना यामाहा रेड ने बहुत सेक्सी दिया है, ठीक है। ऑरेंज KTM वाले ये बार डाले और बाइक खुद की वाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो पूरा आपको वो डिस्प्ले मिलता है अच्छा वाला, एकदम बढ़िया वाला जो है ना, नेवा वाला वो, तो ये अच्छी है तेरे लिए। इसमें अंदर ये देख, ये भी है ग्रिल फॉर यू नो स्पोर्ट्स लुक के लिए, एकदम अच्छी है। दोनों सेम ही है, हाँ दोनों सेम ही है, बस कलर अलग है, पर ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग लग रही कंपेयर्ड टू सब बाइक। ये देखो ये रेड कलर में खड़ी है, रेड कलर में भी अच्छा ग्राफिक्स है, येलो और ये वाला अच्छी लग रही है। फोटो निकाल दो, हाँ वही उसको दे दूंगा ना भाई। ऐसी पूरी बाइक है गाइस, क्या कल ही गोदाम से लाया? अच्छा नहीं, मस्त है ये, अच्छी लगती है बाइक मेरे को तो, लुक्स काफी अच्छे हैं इसके। ये ना आगे से वैसा चोच जैसा एकदम अच्छा लुक है इसका काफी। तो गाइस अगर मैं मेरी बात करूँ तो ना पूछे तो पर्सनली काफी अच्छी बाइक लगी, और उधर मैंने आपको शोरूम में दिखाया भी था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइक थी, रेड और वाइट कलर दोनों मुझे इंप्रेसिव लगी। बाकी इंजन की तो क्या ही बात करूँ, इंजन दोनों की 200 cc की है, अपना पुरानी वाले R15 और अभी वाली R15। पहले क्या फ़र्क था उसका, स्पीडोमीटर जो है ना उसका स्पीडोमीटर थोड़ा अलग था, बाकी तो सब सेम ही था। और कलर कॉम्बिनेशन यामा ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया ये बार, और ऐसा दिल खुश कर दिया एकदम। और बड़ी साइकिल भी शायद अपना बड़ी मोटरसाइकिल भी लॉन्च, तो इसका जो एक्स शोरूम रेट लॉन्च हुआ है गाड़ी का है 1.82 lakh, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लोग अभी ड्यूक में भी कम लेंगे, KTM कम लेंगे, और अपनी R15 ज़्यादा ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसको चाहिए कि 200 cc में ये लोगों स्पोर्ट्स बाइक लोग दे रही है, तो वही सिर्फ दे रही है, तो अच्छी बात है। बाकी इधर ही अपना शोरूम है यामाहा का, AMI थाने, किसी को देखना है तो आके देख सकते हो बाइक, नियर मुलम या मुंबई या थाने वाले, नॉट प्रमोशनल वीडियो। तो एक छोटा सा वॉक अराउंड था मेरे बाइक के ऊपर और रिव्यू था। बाकी आप मुझे बताना कि रेड कलर या वाइट कलर अच्छा लगा, या आपकी बहन भी अच्छी लगी वो आप बताना, ठीक है। तो ये छोटा सा अगर R15 वर्जन 2023 का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल 20 मेरे को, और मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वर्ष।